हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 5 हमें दे रखा है फैक्टराइज 4y² - 12y + 9। इसका हमें फैक्टर करना है। देखो, इसका फैक्टर करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का। हमारे पास कुल मिला के दो आइडेंटिटी होती है। पहली होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दो आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इसका फैक्टर करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर माइनस का निशान मिल जाता है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर प्लस का निशान होता तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हम यहाँ पे। तो हमें दे रखा माइनस, तो क्लियर है हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसमें ए पे स्क्वायर है, बी पे स्क्वायर है, इसमें सिर्फ वाई पे है, इस पे तो है ही नहीं। तो हम पहले इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर एज इट इज़। 12y को मैंने चेंज नहीं किया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, मैंने एक साथ करके लगा दिया दोनों पे। माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, ए स्क्वायर यहाँ पे दे रखा 2y का स्क्वायर, तो ए की जगह हमारी वैल्यू कौन होगी 2y, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू हमारी कौन हो जाएगी 3। फिर मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 2 है 2 लिखा, ए आ रहा है ए की वैल्यू 2y, बी की वैल्यू 3, यहाँ मेंशन कर दी। अब इनको अगर ओपन करोगे तो ये आएगा, इसे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा वापस। देखो 2 2 4 4 3 12, यही आ रहा है। इसको इसी से मल्टीप्लाई अगर 4y² आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे 9 आ जाएगा। ये पूरा सेटअप इसके अकॉर्डिंगली पुट किया गया है। ये किसके इक्वल है, ए माइनस बी के, तो ए की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2y, बी की जगह रिप्लेस कर दिया 3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, 1 बार और 2 बार, तो यानी कि इसकी जो फैक्टर होंगे वो 2y - 3 होंगे। ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6। जब सिर्फ दो ही टर्म दे रखी हो तो हमारा फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके अकॉर्डिंगली एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे हम। ए पे पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, बी पे पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए, तो पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे कैसे। 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है, एक साथ करके लगा दिया। अब करने के बाद ये पूरे पे स्क्वायर आ गया, कंपेयर किया, ए की जगह 7p हो गया, बी की जगह 6 हो गया। वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह 7b, बी की जगह 6, ए की जगह 7b, बी की जगह 6, यानी एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 7 फैक्टराइज करना है इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी शुरुआत की अगर आप 3 नंबर देखो तो ये जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर की इक्वल होता है। तो मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो इसकी जगह हम पूरी जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ मेरी फिर आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें हम एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में। अब ए की जगह पे हमें ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर है, ए की जगह हमें यूज़ करना है ए माइनस बी को, बी की जगह हमें यूज़ करना है सी को, क्लियर। ए की वैल्यू ए माइनस बी, बी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए माइनस बी, सी की वैल्यू हमें सॉरी बी की वैल्यू क्या दे रखी है सी, तो हमारे फैक्टराइजेशन हो जाएंगे ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस में सी, सॉरी यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। ठीक है, तो सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। देखो ए ए की जगह हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी, बी बी की जगह यूज़ करेंगे सी को, प्लस है प्लस लगा दिया, ए की जगह ए माइनस बी
माइनस, ठीक है, सी, सी की जगह यूज़ करेंगे, बी की जगह यूज़ करेंगे सी को, तो हमारे फैक्टराइजेशन ये हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।